नमस्कार। केवीएस इंटरव्यू आप लोगों के होने वाले हैं। आज मैं एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा कर रही हूं जो अक्सर पूछ लिया जाता है या जिसके पूछे जाने की संभावना है। हिंदी इंटरव्यू में यह प्रश्न बनता है कि आप बच्चों को की और की में अंतर कैसे सिखाएंगे। देखा जाता है कि प्रायः लिखने में बच्चा कंफ्यूज्ड रहता है, उसे नहीं समझ में आता कहाँ बड़ी ई लगाए कहाँ छोटी ई लगाए, जहां मनाता है जो मर्जी लिख देता है। तो आपसे यदि पैनल ये प्रश्न पूछता है कि आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे, तो आप कह सकते हैं कि हम उच्चारण इस तरह से करेंगे कि उच्चारण के माध्यम से सिखाएंगे कि बोलेंगे तो बच्चे से कहेंगे ह्रस्व ई लगाइए, छोटी की मात्रा लगाइए, और की बोलेंगे तो दीर्घ ई आपको लगानी है। पर आपके इस उत्तर से पैनल सेटिस्फाई नहीं होगा। वो कहेंगे कि बच्चा जब फ्लो में लिख रहा है, फटाफट लिख रहा है, उसका ध्यान इतना उच्चारण पे नहीं जाता है, उसको एक आदत बन गई है, बस लिखना है उसको जल्दी से, कोई भी मात्रा लगाएगा। आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे इस उत्तर पे। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, आप उनको बताइए कि हम बच्चों को बताएंगे कि जहां दीर्घ ई लगानी है, बड़ी ई की मात्रा वाली की है, वो दो कारणों से लगती है, दो जगह लगती है। एक संबंधवाचक शब्दों में, क्या होता है संबंधवाचक शब्द, कारक चिन्ह है ये, कर्ता ने कर्म को वगैरह जो कारक चिन्ह होते हैं, संबंध का चिन्ह है का के की, उसी में से एक ये है की, यानी किसी वस्तु से संबंध दिखाना हो, जैसे यह मोहन की कलम है, यह देव की पुस्तक है, स्त्रीलिंग शब्द है और संबंध दिखाना है, की लगाना है, वहां हम की लगाएंगे, बड़ी की मात्रा लगाएंगे संबंध दिखाने के लिए। और दूसरा कहां लगेगा कि जब प्रायः संज्ञा शब्द के बाद, संज्ञा सर्वनाम या कर्ता के बाद हमेशा की लगेगी, बड़ी की मात्रा लगेगी, हमेशा की का प्रयोग होगा। और ह्रस्व ई समझाने के लिए, आपको की का प्रयोग सिखाने के लिए फिर से आपको दो बातें बतानी है कि की का प्रयोग एक योजक चिन्ह के रूप में होता है, योजक चिन्ह यानी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, दो वाक्यों को जोड़ना हो तब की लगता है, जैसे मोहन ने कहा कि वह कल नहीं आएगा, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए की। और दूसरा इसका पॉइंट है कि कहां लगेगा, हमेशा क्रिया के बाद इसका प्रयोग होता है, हमेशा क्रिया के बाद ये ह्रस्व मात्रा वाली की लगती है, हमेशा क्रिया के बाद की का प्रयोग किया जाता है। तो हम बच्चों को ये दो दो पॉइंट्स बता देंगे तो वो लिखते समय ध्यान रखेंगे, उनसे कहेंगे कि जब आप लिखें तो आप ध्यान दें कि इसके बाद आने वाला शब्द संज्ञा सर्वनाम में से कुछ है या क्रिया है। बेस्ट पॉइंट वही है, बस बच्चा मान लो गलत लिख भी देता है तो फिर वो मिटाकर दोबारा ठीक कर सकता है। आपको इस तरह से ये दो दो पॉइंट समझाते हुए पहला उत्तर वही बनता है, आपको बताना है कि उच्चारण के माध्यम से हम बच्चों को बताएंगे कि हम की उच्चारण करते हैं तो दीर्घ ई लिखना है और की उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व की लिखना है। लेकिन पैनल क्रॉस क्वेश्चन करेंगे आपसे, तब उसके बाद आपको इन दोनों के ये दो दो अंतर बताने हैं कि कहां बड़ी की मात्रा वाला लगता है, कहां छोटी की मात्रा वाला लगता है। तो आपको इन प्रश्नों के लिए तैयार रहना है। एक वीडियो में मैंने श श स में अंतर सिखाया था, ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है हिंदी वालों के लिए भी और संस्कृत वालों के लिए भी, कि श श और स में अंतर आप कैसे सिखाएंगे। इसी तरह के यदि और क्वेश्चंस
आपके दिमाग में कुछ आते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको वीडियो के थ्रू समझा सकूं, बता सकूं। धन्यवाद।